हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, फाइनली इंप्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर जो आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का फेस टू मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था 7 नवंबर 2019 को डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के अंदर, तो फाइनली जो आपका मेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, वो यहां पे इंप्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट हो चुका है। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज आपका क्या कट ऑफ रहा है और टोटल कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट को प्रोविजनली सिलेक्ट किया गया है जो आपके असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के अंडर टोटल वैकेंसियां थी, वो यहां पे एक लिस्ट में यहां पे अपलोड कर दिया गया है। और इंडिविजुअल वाइज आपके कितने मार्क्स आपने स्कोर किए हैं मेंस एग्जामिनेशन में, उसकी भी लिस्ट फ्रेंड्स यहां पे ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल हो चुकी है। अब आप यहां पे चेक कर सकते हो जो आपने मेंस एग्जामिनेशन 7 नवंबर 2019 को दिया था उसमें आपके कितने स्कोर हैं, और अगर जो यहां पे ऑफिशियल कट ऑफ इन्होंने रखा है, अगर आप उस कट ऑफ में फॉल कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज, तो आप यहां पे प्रोविजनली सिलेक्टेड हो चुके हो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसियों के अंडर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि कैसे यहां पे आपको अपने रिजल्ट को चेक करना, कैसे आप मार्क्स चेक करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज आपका कितना कट ऑफ रहा है और टोटल कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट को बेसिकली यहां पे प्रोविजनली सिलेक्टेड किया है। तो सबसे पहले यहां पे रिजल्ट को चेक करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। ईपीएफओ की लिंक मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली दे दूंगा। तो ऑफिशियल कट ऑफ को यहां पे चेक करने के लिए आप यहां पे डायरेक्टली पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, ये वाली फाइल आपके पास ओपन होकर आ जाएगी और ऊपर वाली है आपकी मार्क लिस्ट वाली, यानी कि मार्क्स जो आपने स्कोर कर रखे हैं वो आपको ऊपर वाली लिस्ट में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं कि आपका यहां पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ फ्रेंड्स रहा है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप यहां पे देख सकते हैं जो आपके टोटल वैकेंसियां थी सभी कैटेगरी को मिला के, वो आपकी 240 वैकेंसियां थी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के अंडर। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज आप यहां पे देख भी फ्रेंड्स सकते हो, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था जब आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसके अंडर फ्रेंड्स डिक्लेयर हुई थी। तो यहां पे आप देख सकते हैं जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी कि इतने नंबर आपको यहां पे लेने ही लेने थे ईच सेक्शन वाइज डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज मेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। तो यहां पे आप देख सकते हैं जो आपकी पहली सेक्शन थी 60 में से 21 नंबर एससी एसटी ओबीसी और दिव्यांग कैंडिडेट को यहां पे लेने ही लेने सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए। और ओवरऑल आप भी आप ये देख सकते हैं 230 में से 80.50 मार्क्स लेने ही लेने थे अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो सभी सेक्शंस को मिला के। उसके बाद 230 में से 92 मार्क्स यानी कि 40% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को लेने ही लेने थे सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन जो उसका एक्चुअल कट ऑफ रहा है, अगर आप इस कट ऑफ में फॉल हो चुके हो तो आपका नाम यहां पे नीचे आ गया होगा, आप प्रोविजनली सिलेक्टेड हो चुके हो। तो यहां पे आप देख सकते हो टोटल आपकी जो 5 सेक्शन थी 230 मार्क्स की, उसमें से अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपके मार्क्स 184.17 आ चुके हैं तो आपका नाम यहां पे नीचे होगा। बता देता हूं आपको कैसे आपको नाम अपना चेक करना है। और 230 में से एससी का जो कट ऑफ रहा है 160.76 रहा है, एसटी का 145.21 रहा है, ओबीसी का 176.43 रहा है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का 175.09 फ्रेंड्स कट ऑफ रहा है। अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस कैटेगरी के अंडर जो कट ऑफ रहा है जो मैंने आपको यहां पे बताया, अगर आपने इतने मार्क्स स्कोर कर लिए तो आपका यहां पे नाम नीचे आ चुका होगा। यहां पे आप डायरेक्टली सर्च के बटन पे क्लिक भी करोगे, यहां पे आपका डायरेक्टली जो नाम है वो फ्रेंड्स प्रिसाइजली आ जाएगा। और यहां पे ध्यान देंगे, यहां पे आप देख भी सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो आपकी कैटेगरी है 240 में से कितने कैंडिडेट को यहां पे सिलेक्ट किया गया है प्रोविजनली। और यहां पे जो कैंडिडेट सिलेक्टेड है उनके अब यहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट होगी, उनको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। तो फ्रेंड्स, ये था आपके मेंस एग्जामिनेशन जो कंडक्ट हुआ था फेज टू का 7 नवंबर 2019 को। जो आपने मार्क्स लिए हुए हैं मेंस एग्जामिनेशन में इस ऑफिशियल कट ऑफ में अगर वो फॉल कर रहे हैं तो आप यहां पे प्रोविजनली सिलेक्टेड हो चुके होंगे। कैसे चेक करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपके मार्क्स हैं सेक्शन वाइज आपने कितने स्कोर कर रखे हैं वो आप यहां पे फ्रेंड्स चेक कर सकते हो। सेकंड लिस्ट हम यहां पे ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सेकंड लिस्ट आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे आपका रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों यहां पे दिए गए हैं। आपको रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपको याद है
आप यहां पे डायरेक्टली सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे, अपना रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहां पे डालेंगे, आपका जो रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन है वो आपका डायरेक्टली यहां पे आ जाएगा। यहां पे अब जो आपकी टोटल 5 सेक्शन थी, उन 5 सेक्शनों में से आप देख सकते हैं कि पहले सेक्शन 60 में से आपने कितने मार्क्स लिए हुए हैं। जैसे कि पहले नंबर का आप देख सकते हो 60 में से 58.5 मार्क्स इन्होंने ले रखे हैं, और ओवरऑल इनका जो यहां पे मार्क्स बने हैं 230 में से 165.75। तो यहां पे ओवरऑल आप चेक कर सकते हो कि सभी सेक्शन वाइज को मिला के आपके 230 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं, और अगर ये वाले मार्क्स आपके उस ऑफिशियल कट ऑफ में फॉल कर रहे हैं, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उस कैटेगरी के अंडर आप वहां पे चेक कर लोगे, तो आप यहां पे प्रोविजनली फ्रेंड्स सिलेक्टेड हो चुके हो। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको अपने मार्क्स को चेक करना है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, जो आपका फेज 2 का मेंस एग्जामिनेशन 7 नवंबर 2019 को फ्रेंड्स कंडक्ट हुआ था। तो जैसा ही नेक्स्ट अपडेट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड आता है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने ओरिजिनल में फ्रेंड्स साथ में लेके जाने हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन है जो हमने यहां पे डिस्कस किया, तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।